सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू वंशिका ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही डिमांडिंग आई मेकअप। काफ़ी टाइम से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम HD लुक में जो है हम ऐसा आई मेकअप करें जो हर लुक पे हमारे चला जाए, तो वही आई मेकअप मैं आज आपके लेकर आ गई हूँ, क्रिस्टल कट क्रीज आई मेकअप। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया हुआ है इस आई मेकअप का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम की आईज़ में जो है हमने लेंसेज डाल दिए हैं। अगर आपको अपने मेकअप में लेंसेज इंक्लूड करने हैं तो आप अपनी कस्टमर के सबसे पहले जो है लेंसेज लगाइए। लेंस लगाने से क्या होता है, किसी किसी के जो है आईज़ में लेंस सेट नहीं होते, जैसे कि कई लोग फर्स्ट टाइम लेंस लगवाते हैं तो उनको बड़ी इरिटेशन होती है या फिर सेट नहीं हो पाते लेंस, तो हम कुछ टाइम तक देख के फिर हम लेंस को रिमूव भी कर सकते हैं, इसलिए हमें लेंस सबसे पहले लगानी चाहिए। देन यहाँ पर मैंने इनकी आईज़ पर अप्लाई कर दिया है ये ऑरेंज करेक्टर, कंसीलर भी हम इसे बोलेंगे, ठीक है। ये मेरे पास है क्रायलॉन का ऑरेंज करेक्टर। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने कर दिया है वाइट बेस अप्लाई, बिल्कुल वाइट कलर है ये, हैवी कवरेज आई मेकअप करना है तो हमें वाइट कवरेज जो बेस है वो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर मैक्सिमम मेकअप में ये यूज़ करती हूँ, वाइट बेस आई मेकअप। तो दोनों आईज़ पर ये अप्लाई कर दिया है एंड आईब्रोज़ के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, अंडर आईज़ भी अप्लाई कर देंगे। अंडराइज ऑरेंज कंसीलर भी अप्लाई किया था क्योंकि इनके जो है काफ़ी सारे जो है डार्क सर्कल थे, नीचे आईज़ के रिंकल भी हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो है वाइट कंसीलर, वाइट करेक्टर अप्लाई हो गया है। इसके काफ़ी सारे नाम हैं, वाइट कंसीलर, वाइट करेक्टर, वाइट बेस या फिर हैवी कवरेज बेस, तो आप लोग अब जो सूटेबल लगे वो आप इसे बोल सकते हैं, मैं इसे वाइट करेक्टर बोलती हूँ। इसके बाद हमें जो है करना है वो है आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग बहुत ही ध्यान से करनी है, आईब्रो को देखते हुए करनी है, और सबसे पहले हमें जो है पीछे से जो आर्क होता है हमारा आईब्रो का, वहाँ पर डार्कनेस लेकर आनी है। आगे बिल्कुल काला काला नहीं कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मैं आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ, आप लोग ये देख के भी वीडियो में समझ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कमेंट करके बता देना अगर आपको आईब्रो फिलिंग पर एक अलग से वीडियो चाहिए। तो आगे से आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट मैंने फिल किया है, एंड देन बहुत लाइट फिल करने के बाद भी जो आईब्रो पेंसिल के पीछे ये ब्रश आता है उससे हल्का सा इसे ब्लेंड कर देंगे ताकि एक हार्श लाइन नहीं दिखेगी। बाकी हमें जो कंसंट्रेट करना है वो देना है आर्क पे, और आर्क पे ही हमें डार्कनेस भी लेकर आनी है। दोनों आईब्रोज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं इनकी, इसी टाइप से सेम टू सेम दूसरी आईब्रोज़ भी कर देनी है। यहाँ पर मैंने यूज़ करा है ये पैक का आईब्रो डिफाइनर, पहले पेंसिल से कर दिया था एंड देन उसके अंदर जो हम कलर शेडिंग करते हैं वो मैंने किया है ये पैक का आईब्रो डिफाइनर इसे बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग कुछ भी सामान अगर परचेज़ करना चाहते हैं, प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब टाइम आ गया है आई शेड लगाने का, तो आई शेड में मैंने यहाँ पर यूज़ किया रेवोल्यूशन की न्यूड कलर की पैलेट, जिसमें सारे ही कलर जो है न्यूड शेड्स है। और आई मेकअप मैं जो यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले न्यूड शेड लगा के स्टार्ट करती हूँ, इससे जो है हमें गाइडलाइन मिल जाती है कि हमें आगे आईज़ पे क्या करना है, ठीक है। ये जो शिमरी वाली पैलेट थी ये भी रेवोल्यूशन की है, इसमें से एक लाइट ब्राउन सा शेड मैंने उठाया है और पूरी आईज़ पर अप्लाई कर दिया है। आईज़ पर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, और जो मैं यहाँ पर ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है पैक कॉस्मेटिक का। ब्रश का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है आई मेकअप में, अगर हमारे टूल्स अच्छे होंगे, हमारा ब्रश वगैरह अच्छा होगा तो आई मेकअप और इनहेंस होकर आता है। इसके बाद रेवोल्यूशन की किट में से ही मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर ले लिया है एंड आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की साइड में कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए, ब्लेंडिंग इफेक्ट आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई हार्श लाइन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, या फिर कोई भी एक कलर हमें दिखना नहीं चाहिए। जो हमारा मेन मोटिव होता है आई शेड लगाने का प्रोफेशनली, वो यही होता है कि हमने जितने भी शेड लगाए हों वो कोई ऐसे ना बता पाए कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला शेड है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला शेड है। तो मिक्स एंड मैच करके हमें पूरा आई मेकअप करना होता है, और ज़रूरी भी नहीं है पर्टिकुलर हम उसी कलर का आई शेडो दें अपनी क्लाइंट को या फिर अपने कस्टमर को जैसे कि उनकी ड्रेस है, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं होता है। बाकी अगर आपके क्लाइंट की चॉइस है तो आप लोग दे सकते हैं। बाकी इनका जो ड्रेस कोड था वो था बहुत ज़्यादा लाइट पिंक कलर का लहंगा था इनका,
तो उस हिसाब से मैंने, और ये मैरिड भी हैं, उस हिसाब से देखते हुए, सब कुछ देखते हुए हमें चलना पड़ता है। कोई क्लाइंट अगर हमारे पास आया है और वो अगर हमसे कोई मेकअप करवाना चाहता है, क्योंकि उसे तो पता नहीं होता कि कितने टाइप के मेकअप होते हैं या फिर कैसे टाइप का आई मेकअप हमें कराना चाहिए। इन्होंने जो है मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर देना। तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने इनकी आई शेडो, मतलब आई मेकअप दे दिया है और पूरा ही मेकअप मैंने इनका किया था। बाकी अभी तो इस वीडियो में आपको सिर्फ आई मेकअप दिखेगा। अगर आप लोग इनके पूरे वीडियो भी चाहते हैं मेकअप की, पार्टी मेकअप जो मैंने इनका किया है, HD मेकअप, अगर आप उसकी पूरी वीडियो चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे मेकअप मैं लेकर आती रहती हूँ डेली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। कट क्रीज बनाने के लिए यहाँ पर वही व्हाइट वाला बेस ले लिया है जो फर्स्ट हमने अप्लाई किया था, उसको अप्लाई कर दिया है। ये फॉरएवर 52 का ब्रश है मेरे पास, फ्लैट ब्रश बोलेंगे इसे। और बिल्कुल इक्वली हमें कट क्रीज बनानी है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और कट क्रीज बनाने का तरीका आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो लास्ट की एंडिंग है मेरे व्हाइट कंसीलर की, उसको हमने हाथ से थोड़ा ब्लेंड कर दिया ताकि एक हार्श लाइन ना दिखे। इसके बाद थोड़ा सा आई शेड ब्रश से भी आई शेडो को उसके अंदर हम मर्ज कर देंगे। ऐसे ही आई मेकअप की सीरीज मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और आप लोग कमेंट में भी बताना ये मेकअप आपको कैसा लगा। देन मैंने यहाँ पर इनके यूज़ किया है, ये पैक कॉस्मेटिक का ही है, ग्लिटर है ये, शिमर प्लस ग्लिटर, और प्रेस्ड ग्लिटर इसे बोलेंगे, क्योंकि इसमें ग्लू की हमें नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे ऐसे ही मैंने सिंगल हैंड से इसको अप्लाई कर दिया है, बिल्कुल भी ग्लू की नीड नहीं थी इसमें, तो इसलिए इसे बोलते हैं पैक का प्रेस्ड ग्लिटर। उसमें ये जो शेड है वो है पर्पल कलर। पर्पल कलर को देखिए इनर कॉर्नर से, सॉरी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक नहीं लेके गई हूँ, मैंने आई बॉल पर ही इसे ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आगे से थोड़ा सा मैंने ये लगा दिया है ग्लू, ग्लू नहीं है ये, टू वे जेल है, पैक का टू वे जेल यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ट्रांसपेरेंट टू वे जेल। इसे जो है हमें जो आई लैशेज वगैरह या फिर ग्लिटर जो भी हमें अप्लाई करना हो वो काफ़ी अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाता है। और यहाँ पर जो मैं अब यहाँ पर मैं शिमर अप्लाई कर रही हूँ, ये भी पैक का ही है, पैक का शिमर टावर में से, ये थर्ड नंबर का शेड है, और हल्का सा कॉपर सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स है ये, तो लगने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आ गया था और काफ़ी प्यारी जो है आइज लग रही थी। क्रिस्टल आइज तभी कहलाएंगी जब हमने इसमें शिमर ऐड किया होगा। तो शिमर हमने ये पैक का ऐड कर दिया, ग्लिटर हमने ऐड कर ही दिया, और कट क्रीज हमने बना ही दी, इसलिए इस आई मेकअप का नाम जो है वो है क्रिस्टल कट क्रीज आई मेकअप, ठीक है। ऐसा ही एक पतला सा ब्रश लेना है, ब्रश हमें इसलिए पतला लेना है क्योंकि हमें जो है क्रीज के अंदर ही रखना है ग्लिटर को, क्रीज लाइन के बिल्कुल भी बाहर नहीं लेके जाना है। जो शिमर हमने लगाया था इनर कॉर्नर से वो भी लग के रेडी हो चुका है, और दोनों ही शिमर हमने आई बॉल तक लाके ख़त्म कर दिए हैं, आउटर कॉर्नर तक नहीं लेके गए हैं हम। इसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं इनके लाइनर। लाइनर की विंग्स वगैरह या फिर लाइनर किस टाइप का होने चाहिए तो वो हमने अपने कस्टमर से पहले ही पूछ लेना है। किसी किसी को बिल्कुल थिन लाइनर चाहिए होता है, बिल्कुल पतला, तो आप लोग जो है पहले ही अपने क्लाइंट से, कस्टमर से या फिर जो भी हैं उनसे कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि एक बार लाइनर लग जाता है तो हट नहीं सकता। और अगर कस्टमर को थिन लाइनर पसंद है तो बिल्कुल नहीं हट सकता। तो यहाँ पर हो गया है पूरा बेस मेकअप रेडी। इसके बाद मैंने लगा दी थी इनके आई लैशेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल लुक इनका। अंडर आइज़ में जो है ग्रीन पेंसिल अप्लाई कर दी थी, सॉरी उसका मैं जो है शॉर्ट वीडियो नहीं ले पाई, बट अंडर आइज़ में जो है हमने ग्रीन पेंसिल ऐड कर दी है। अंदर वाइट लाइनर फिल नहीं किया है क्योंकि इनको पसंद नहीं था, ब्लैक लाइनर ही फिल किया है। लेंस इनके पहले ही लगा दिए थे, लैशेस लास्ट में लगाई है, तो पूरा लुक यहाँ पर जो है क्रिएट हो गया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।